subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों को डिजिटल टेडोक 58 वॉच का टाइम डेट मंथ सेट करने के लिए बताऊंगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। कोई भी डिजिटल टेडोक वॉच है यानी कि 4 बटन्स का, 2 आगे और 2 पीछे, उसका टाइम डेट आप आसानी से मिला सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें 4 बटन हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे, एक मोड वाली है, एक लाइट वाली है और एक स्टार्ट वाली है, एक रीसेट वाली है, यानी कि चारों बटन काम में आते हैं। तो आपको टाइम कैसे सेट करना है तो पहले मैं बताऊंगा अलार्म मिलाने के लिए, उसके बाद टाइम और उसके बाद डेट। आपको अलार्म कैसे मिलाना है मैं बता दे रहा हूँ। मोड वाले बटन को एक बार दबानी है, फिर से एक बार दबानी है, 2 बार दबानी है, आपका अलार्म सेटिंग आएगा। 1 घंटा है और 1 मिनट है, तो 10:30 अलार्म है और आप अपनी घड़ी से मिलाना चाहते हैं तो स्टार वाले बटन को दबाते जाएंगे, वाइब्रेट कर रहा है 1 घंटा, और यहाँ से हम चाहेंगे तो 5 बजे कर सकते हैं अलार्म। हमने 5 बजे कर दिया, 5:30 पर, और करेक्ट 5 बजे करना चाहते हैं तो रिसेट वाले बटन को एक बार दबाएंगे। यहाँ से वाइब्रेट करने लगा तो हम यहाँ से मिनट जितना आपका चाहते हैं, 5 बजे जितने मिनट पर यहाँ से कर सकते हैं। आप करेक्ट 5 बजे चाहते हैं तो आप यहाँ से 00 कर देंगे, करेक्ट 5 बजे आपका जो है कि अलार्म हो जाएगा। देख रहे हैं 5 बजे अलार्म हो गया आपका। एक बार मोड वाले बटन दबानी है, अब मिलाना है टाइम आपको। तो टाइम मिलाना है तो 8:39 हो रहा है, आप अपनी घड़ी से मिलाना चाहते हैं तो इसको एक बार दबानी है, 2 बार दबानी है, 3 बार दबानी है, यानी कि मोड वाले बटन हमने 3 बार दबाया। अब देख रहे हैं इस गोले में जो है कि वाइब्रेट कर रहा है सेकंड, अब जा करके आपका टाइम मिलेगा। तो जो है कि आप देख रहे हैं 8:40 हो रहा है, आप अपने घड़ी से मिलाना चाहते हैं तो रिसेट वाले बटन एक बार दबाएंगे और मिनट वाइब्रेट करने लगा। पहले मिनट मिलेगा, उसके बाद घंटा मिलेगा, उसके बाद तारीख मिलेगा। तो हमें 10:50 जो है कि 50 मिनट करना है तो हम यहाँ से पहले 50 मिनट करेंगे। स्टार वाले बटन दबाते जाएंगे और वाइब्रेट कर रहा है मिनट या मिल जाएगा, हम यहाँ से पहले 50 मिनट कर देंगे। आप देखेंगे 50 मिनट क्या, मान के चलिए हम 55 मिनट कर देंगे। हमने 8:55 कर दिया और फिर से रिसेट वाले बटन दबाएगा एक बार, घंटा वाइब्रेट करने लगा। हम घंटा यहाँ से रिसेट स्टार वाले बटन दबाएंगे और जो हमारा टाइम हो रहा है यहाँ से हम बजा देंगे। तो बजाएंगे कैसे, जैसे कि एच आ रहा है तो एच हमें नहीं चाहिए, ए चाहिए 12 बजे पहले मिला रहे हैं टाइम, पी चाहिए 12 बजे बाद मिला रहे हैं टाइम। तो हम यहाँ से जो है कि एच का मतलब 24 रेलवे टाइम बजने लगा, तो हम रेलवे टाइम नहीं करेंगे, हम यहाँ से दाबते जाएंगे 24 के बाद आपका जो है कि एम आ गया, तो हम 12 बजे पहले मिला रहे हैं, तो हम यहाँ से मान के चलिए हम 10 बजा देंगे। हम यहाँ से 10 बजा देंगे, देखेंगे 10:00 जो है 55 मिनट हो गया, फिर से एक बार रिसेट वाले बटन दबाएंगे। यहाँ से यह जो है तारीख है, मंथ है, तो हम तारीख मिलाना है तो स्टार वाले बटन दबाते जाएंगे, जो भी आपके घड़ी में तारीख हो रहा है यहाँ से कर देंगे। आपका 8 तारीख है तो हमने 8 यहाँ से कर लेंगे, 8 तारीख मिला दिया, फिर से रिसेट वाले बटन दबाएंगे और ये जो है कि मंथ आपका वाइब्रेट करने लगेगा। तो हमने रिसेट वाले बटन एक बार दबा दिया, मंथ वाइब्रेट करने लगा, स्टार वाले बटन हम दबाते जाएंगे और जो भी मंथ है आपका जो है कि 10 मंथ है तो यहाँ से हम 10 मंथ कर देंगे, 10 मंथ कर देंगे, 10 मंथ कर दिया। अब यहाँ से दिन कौन सा दिन है, रिसेट वाले बटन को एक बार दबाएंगे और दिन वाइब्रेट करने लगा तो यहाँ से हम दबाते जाएंगे। मान के चलिए यहाँ से संडे है तो संडे, मंडे है तो मंडे मिला दिया, फिर इस मोड वाले बटन को एक बार दबाएंगे। आ गए मेन मेनू में, आप देख रहे हैं 10:56 हो रहा है और आपको मंडे दिन बता रहा है। एक बार यहाँ से दाबेंगे स्टार वाले बटन को, 10 महीना और 8 तारीख यहाँ से आपको दिखा रहा है, छोड़ेंगे ऐसे आपका टाइम दिखाने लगा। लाइट बढ़ना है तो लाइट वाले बटन को एक बार दबाएंगे और ये दाबते जाएंगे, 7 कलर का जो है कि लाइट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे टाइम डेट मंथ मिला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।